नल्लेबाजी को बाहर जाके नल्लेबाजी करने मिल जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन एंड कैन हियर मी। या तो कुछ होमवर्क था लास्ट क्लास में? ओके कंप्लीटेड। एवरीडे होमवर्क दिया था ना, कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? ओके फाइन। जस्ट अ मिनट, द स्क्रीन जस्ट डिसअपीयर्ड। जस्ट अ मिनट, क्या था होमवर्क एक बार जरा ये बता देना, व्हाट वाज द होमवर्क गिवन टू यू? Exercise 1, okay, 1 to 20, okay, तो exercise 1 to 20 में कौन कौन से questions में doubt? ठीक है, ओके लेट अस स्टार्ट नाउ देन। एक सेकंड रुक जाओ, देयर आर सम आई थिंक टेक्निकल इश्यूज, लेट मी जस्ट रीशेयर इट, जस्ट अ मिनट। इंडेक्स एक्सरसाइज में कौन कौन सा होमवर्क दिया था स्ट्रेस? इंडेक्स एक्सरसाइज में कौन कौन से मैंने होमवर्क दिया था बोलो? इंडेक्स दिया था क्या होमवर्क एवरीवन? एवरीवन इंडेक्स में कौन कौन सा दिया था बताओ? लेट अस स्टार्ट विद द इंडेक्स ओनली। इंडेक्स एक्सरसाइज में, अच्छा इंडेक्स 2 में दिया था। इंडेक्स एक्सरसाइज 2 में 2, 3 एंड 4, ओके 2, 3, 4 तीनों में डाउट है? एवरीडे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में तीनों में डाउट है क्या? तो किसमें डाउट है? सेकेंड में, ओके। तो लेट अस नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन 2। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर विल नॉट अप्लाई टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? देखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर उनके बीच में अप्लाई नहीं होगा जो रिएक्ट कर जाते हैं। श्रेयस इज दैट क्लियर? क्लियर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एज यू नो इट इज एप्लीकेबल फॉर अ सिस्टम ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। ऐसे सिस्टम के लिए अप्लाई होता है जो रिएक्ट ना करें। तो देखो H2 और SO2 में कोई रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है? नहीं नहीं H2 कैसे रिएक्ट कर जाएंगे? H2 और Cl2 में रिएक्शन आराम से होती है। H2 और O2 तो तभी जलेंगे
एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, बट वो अपने आप रिएक्ट करके पानी तो बनाता नहीं, तो इनके कुछ कंडीशंस होती है रिएक्ट करने की, ठीक है। तो इसमें जो सबसे आसानी से रिएक्शन हो सकता है वो H2OCl2 का हो सकता है, HCl बन जाएगा। गुड मॉर्निंग सिद्धेश, नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। देयर आर, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 है, N2 है 6.02 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके N2 के, O2 के एंड H2 के। 6.022 इंटू 10^22 मॉलिक्यूल्स हैं N2 के, O2 के, H2 के, ठीक है। तो टोटल मोल्स कितने हो गए ऑलरेडी ऑलरेडी टोटल मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल ये हो गए, राइट। तो ये 3/10 यानी 0.3 हो गया, राइट। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ओके, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 0.3 हो गए, तो अब लगा दो पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर 1 atm है। अच्छा यहाँ दिक्कत है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। देखो एसटीपी पे दिया हुआ है और एसटीपी पे टोटल 0.3 मोल है, तो 0.3 में सब बराबर है ना, तो 0.1 0.1 0.1 तीनों के 0.1 मोल है। इज दैट क्लियर? तो N2 है, O2 है और H2 है। N2 का मोलर मास 28 होता है, तो 2.8 होगा 0.1 का मास, 0.1 का मतलब 0.1 मोल का मास। इसका 32 होता है तो 3.2 होगा, और इसका 2 होता है इसका 0.2 होगा। इनको ऐड कर दो, 6.2 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। एवरीडी क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 मैंने दिया है क्या हमको? एवरीडी क्वेश्चन 5 हमको दिया था क्या? नहीं दिया मैंने, एक्सरसाइज 2 में। यदि एसटीपी में नहीं होता तो आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करना होता, ठीक है, सुना ली? कैन वी मूव टू द एक्सरसाइज 1 नाउ? ओके, एक्सरसाइज 1 में कौन कौन से बताइए। ओके, फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर गैसेस? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ये सही है एवरीडी? गैस का फिक्स शेप होता है क्या और फिक्स वॉल्यूम होता है? एवरीडी बताइए, लिखा है स्टेटमेंट गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, ये सही है या गलत है? कोई नहीं बोलेगा, ये तो सही है ना, पूछा है कि कौन सा गलत है, तो ये तो सही है, तो आंसर पूछा है कौन सा गलत है, राइट।
और ऑप्शन बी लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द गैस, तो ये भी सही है, जितना खाली जगह होता है सारा ऑक्यूपाई करता है। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, कंफर्म्ड कंफाइंड गैस एग्जर्ट यूनिफॉर्म प्रेशर, देखो ये भी सही है ना, यूनिफॉर्म ही प्रेशर एग्जर्ट करता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास इस सिस्टम में गैस है तो चारों तरफ बराबर ही प्रेशर एग्जर्ट करता है ना, तो ये भी सही है। मास ऑफ गैस कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय वेइंग कंटेनर, देखो ये गलत है, मास तो तुम पता कर ही सकते हो ना, तो यही अपना आंसर है। जैसे मान लो सिलेंडर है, उसके अंदर तुमने गैस भर दिया और तुम्हें पता है खाली सिलेंडर का वेट 4 kg है सपोज, तो और भरे हुए सिलेंडर का वेट 10 kg है, तो मास ऑफ गैस तो मेजर कर ही सकते हो ना तुम। ये समझ में आ रही बात, खाली सिलेंडर का वेट पता है और भरे हुए सिलेंडर का वेट पता है, तो डिफरेंस इन जो मास आएगा वही मास ऑफ गैस होगा। ओके नेक्स्ट बताओ, विच इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस के केस में कौन सा सही नहीं है, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ये सही बात है क्या एवरीडे? आइडियल गैस को लिक्विड कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये सही है, हमने बात तो करी है। है ना, तो ये तो ट्रू है, पूछा है कौन सा गलत है, ऑप्शन बी देयर इज नो इंटरेक्शन, ये भी सही है। ऑप्शन सी ऑल द मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव विद द सेम स्पीड, ये सही है क्या? देखो एक्चुअली हम लोग केटीजी पढ़ने वाले हैं आगे चल के, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। एक्चुअली जैसे सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम थोड़ी होती है, कुछ स्लो मूव करते हैं कुछ फास्ट मूव करते हैं, ठीक है, ये होगा आंसर। केटीजी में पढ़ेंगे हम इसके बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यही चैप्टर है। एट अ गिवन टेम्परेचर पीवी इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस, ये भी तो ठीक है, ये तो सही। नेक्स्ट बताइए, एवरीडी नेक्स्ट 11, अंडर व्हाट कंडीशंस विल अ प्योर सैंपल ऑफ आइडल गैस नॉट ओनली एग्जिबिट अ प्रेशर ऑफ 1 atm बट ऑल्सो अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 mole per liter। देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो प्रेशर 1 atm है और कॉन्सेंट्रेशन यानी NV वो 1 mole per liter है, ठीक है, तो आप इक्वेट कर लो, P होता है NV इंटू RT, है ना, तो इसको 1 पुट कर लो, इसको भी 1 पुट कर लो, तो T क्या आएगा, 1/R आएगा ना, एवरीडी T 1/R आएगा, तो R आता है 1/12, तो 1/R आएगा 12। नेक्स्ट बताओ, ठीक है लिखना है क्या, यू वांट टू राइट दिस, क्वेश्चन 9, इन द इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी विच वन कैन नॉट बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर। देखो एक इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसमें से कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर नहीं हो सकता है, तो ये देखो ये तो हमने लिखा हुआ है ना, 9th किसने पूछा था, भावेश, ये तो लिखवाया था हर क्लास में, 8.31 atm हो सकता है क्या, वो तो जूल होता है ना, डी होगा आंसर। ओके नेक्स्ट,
19. Okay. नाइनटीन क्वेश्चन पे आ जाते हैं. अपने पास है 4 ग्राम आर्गन, ठीक है. उसका एटॉमिक मास आपको दे रखा है 40. तो कितना मोल हुआ एवरीबॉडी? एवरीबॉडी 4 ग्राम कार्बन है, एटॉमिक मास 40 है, तो मोल्स कितने हो गए? 0.1, ठीक है. अब इस 0.1 मोल का प्रेशर है PATM. When the bulb was placed in a hotter bath at a temperature 50 degree more than the first one, तो अब इसको प्लेस कर दिया T+50 में, है ना? 0.8 गैस को हैज टू रिमूव्ड. अच्छा, तो इस केस में 0.8 ग्राम को हटाना पड़ा, यानी 3.2 डिवाइडेड बाय 40, तो ये 0.08 मोल हो गया, राइट एवरीबॉडी. और प्रेशर अभी भी PATM ही है. ये सबको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. यहाँ पे टेम्परेचर टी था और यहाँ, अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो. तो अब अपन लगा देते हैं P1V1 upon N1T1 is equal to P2V2 upon N2T2. सेम है ना? अब ये लिखा है कि बल्ब, बल्ब यानी कोई ऐसा कंटेनर होगा, राइट. तो इसका वॉल्यूम तो फिक्स ही है, तो N1T1 is equal to N2T2 लगा सकते हैं फाइनली. तो N1 है 0.1 into T और N2 है 0.08 T+50. Can you solve for T now? Everybody, can you solve for T now? Okay, then solve and tell me the answer. Okay, आगे बढ़ सकते हैं. Okay, now let us move to question number 20. देखो question number 20 क्या है? An evacuated bulb. देखो इसका volume दे रखा है आपको. Evacuated मतलब समझते हो? Everybody, what is evacuated? खाली. ठीक है. तो evacuated bulb है 0.1 meter cube size में. तो 1 meter cube होता है 1000 liter. तो ये 100 liter हुआ ना? 0.1 मीटर क्यूब. तो अब तुम्हारे पास एक इवैक्यूएटेड बल्ब है, मतलब एक बल्ब है जो 100 मीटर का है, उसका 100 लीटर उसका साइज है. नाउ इट इज फिल्ड विद UF6, ठीक है. टेम्परेचर है 300 केल्विन और प्रेशर है 2.46 × 10⁻²⁺ एटमॉस्फेयर, ठीक है. तो अब देखो सीधा सा केस है यार, PV = nRT लगा दो. लास्ट स्लाइड. राइट डाउन सिद्धेश. ओके, तो यहाँ पे हम सीधा सा PV = nRT लगा सकते हैं, ठीक है ना. अब ये हमारा P है, ये हमारा V है, N हो गया, R हो गया और T हो गया. N इससे निकल जाएगा और मास क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास इज इक्वल टू N. गिवन मास हमें नहीं पता, निकालना है,
तो एन आ जाएगा ना डब्ल्यू इज इक्वल टू 350 N ग्राम, तो यहां से एन निकाल के निकालो, एवरीडे डन। नाइनटीन में केल्विन में है तो 50 में केल्विन, हाँ कन्वे केल्विन में ही तो किया है सलोनी। सलोनी इज दैट क्लियर, केल्विन में ही तो किया है ना। ओके इतना ही 20 तक ही दिया था ना हम वो। ओके ठीक है ठीक है, तो लेट अस नाउ गेट बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक। देखो हमारा ओरिजिनल टॉपिक क्या था, लास्ट क्लास में हमारा एक टॉपिक चल रहा था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के हिसाब से क्या होता है, प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ सिस्टम ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, राइट। नॉन रिएक्टिंग गैसेस का कोई एक सिस्टम है तो उसमें टोटल प्रेशर एग्जर्टेड इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। कुछ याद आ रहा है कुछ इस तरह का, है ना। सेम वॉल्यूम पे क्यों होता है, मतलब वो तो एक कंटेनर के लिए डिफाइन ही किया है ना भावेश, बाकी नॉर्मल गैसेस तो तुमने पढ़ा है या मोल मोल एनालिसिस वाले, सेम कंटेनर के लिए डिफाइन ही किया गया है, ठीक है। इज दैट क्लियर भावेश। भावेश चलो नहीं बोलोगे तुम। डाल्टन लॉ में वॉल्यूम सेम क्यों होता है, वॉल्यूम तो हमारे इनपुट पे डिपेंड करता है ना, पर भावेश मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वॉल्यूम तुम्हारे इनपुट पे डिपेंड करता है बट ये डिफाइन ही एक कंटेनर के लिए किया है लॉ। अब तुम यदि अलग अलग कंटेनर के लिए करोगे तो हमने एनालाइज किया ही था ना, वहां पे प्रेशर फाइनल कैसे निकालोगे, सिग्मा पी आई वी आई अपॉन सिग्मा पी वी आई, उसने सेम कंटेनर के लिए डिफाइन किया, हमने तो सारे केसेस पढ़े हैं ना, जो जैसा डिफाइन कर रहा है उसके हिसाब से पढ़ ले रहे हैं, कौन से बस इतना ही है। देखो अब हम बात कर लेते हैं कुछ इस तरह की, मान लो तुम्हारे पास ये सपोज एक सिस्टम है जिसमें यहां तक इतना पानी भरा है, ठीक है, यहां तक क्या भरा है पानी, यहाँ H2O लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पे CO2 गैस है, ठीक है, और साथ में वाटर वेपर भी होगा, राइट। एवरीडी इज दैट क्लियर। जैसे सपोज दिस इज एरेटेड ड्रिंक, पेप्सी है तुम्हारी या फिर जो भी बोलो कोक है ना, तो यहाँ हो क्या रहा है दो इक्विलिब्रिया डेवलप हो रही है, एक तो CO2 गैस CO2 लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इसमें CO H2O लिक्विड, सॉरी H2O लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है H2O गैस में, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे PH2O क्या है, PH2O इज पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, जिसको अपन बोल सकते हैं वेपर प्रेशर भी, इसको हम बोल सकते हैं वेपर प्रेशर भी, ठीक है एवरीबॉडी, है ना। और दूसरा है क्या, CO2 पानी में घुलता है, अच्छा गैस पानी में घुलते हैं क्या एवरीबॉडी, एवरीबॉडी गैस पानी में घुलते हैं क्या या नहीं घुलते, नहीं घुलते, तो बताओ पानी में मछलियां कैसे जिंदा है, हाउ इज एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स समंदर में रहते हैं नदियों में रहते हैं, हाउ आर दे एबल टू सर्वाइव, दे ऑल्सो लिव ऑन ऑक्सीजन, होता है ना गैस डिजोल्व। अच्छा पेप कोक पिया है कभी, उसमें कार्बोनेट्स होते हैं CO2 डिजोल्व होता है, तो यानी गैस डिजोल्व होता है पानी में, राइट, बट बहुत कम होता है, दैट इज फाइन, बट होता तो है ना, ठीक है। तो अब यहां पे PCO2 बोल सकते हैं, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ
ड्राई गैस यानी सीधा गैस बोल दो ना, ड्राई गैस लिखने का सिस्टम है, खैर इस तरह से ही बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे इस सिस्टम का टोटल प्रेशर ऊपर में क्या है मतलब, एवरीडी कैन वी राइट पी टी दैट इज टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी एच टू ओ प्लस प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वस टेंशन, या फिर जो भी बोलो ना वेपर प्रेशर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर भी बोल सकते हो, कोई भी टर्म यूज कर सकते हो, या फिर प्रेशर ऑफ मॉइस्ट एयर भी बोल सकते हो, पर नहीं प्रेशर ऑफ मॉइस्ट एयर टोटल होगा, ये टोटल प्रेशर होगा। ड्राई गैस क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ गैस है, ड्राई गैस का मतलब उसमें पानी नहीं है, बिना पानी की चीज को ड्राई बोलते हैं, ठीक है। तो जिसमें ड्राई गैस बोल रहे हैं इसका मतलब वी आर नॉट एक्सक्लूडिंग, वी आर नॉट इंक्लूडिंग द प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, समझ में आ रहा है। Okay, written everyone? Okay, write down them. ओके अच्छा ये चीज समझ में आई है तुम लोगों को, स्क्रॉल करूं, ठीक है। और ऊपर डायग्राम, ये डायग्राम क्या है, एक डब्बा तो बनाया है, डन सिद्धेश, ओके। अच्छा अब हम कुछ बात कर लेते हैं इस तरह से, अच्छा ये बताओ ये जो अपना ड्राई गैस है इसके लिए कैन वी राइट पी वन इज इक्वल टू पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू, या फिर हम लगा सकते हैं पी वी इक्वल टू एनआर टू, यहां तो लगा सकते हैं ना, क्या इसके लिए लगा सकते हैं, ये यहाँ पे गैस लॉस लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते, ये बात सबको चमक रही है। इसकी बात हमने लास्ट क्लास में की थी कि वेपर और गैस सेम चीज नहीं होते, राइट, ओके। देखो कुछ कंडीशंस में लगाएंगे, ये वाली चीज ज्यादा क्लियर तब होगी ना जब तुम इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, या फिर क्लास 12th में एक टॉपिक होता है सॉल्यूशंस एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, वो पढ़ो, ठीक है। वहां पे थोड़ा सा चीज अलग हो जाएगा, बोला जाएगा कि इंस्टेंट्स पे डिफाइन कर सकते हैं बट इन जनरल डिफाइन नहीं कर सकते, वो तो ज्यादा क्लैरिटी वहां पे आएगी। अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ तो इस पर हम पूरी बात अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए रिक्वायर्ड थ्योरी हमने पढ़ी नहीं अभी तक, ठीक है। ओके एक क्वेश्चन है, लेट अस ट्राई एंड सॉल्व इट। देखो ये H2O लिक्विड है सपोज, और ये जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है, ये H2O लिक्विड है और ये खाली जो वॉल्यूम है ना ये 10 लीटर है, इसमें वाटर वेपर का प्रेशर है 1 atm, ठीक है, और O2 का प्रेशर है 4 atm, ठीक है। तो अब इसको क्या किया गया, एट सेम टेम्परेचर
The above system is compressed. Compressed मतलब ऐसा कर दिया गया कि देखो पानी तो उतना का उतना ही रहेगा, H2O लिक्विड में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो खाली जगह पहले 10 लीटर थी अब 5 लीटर होगी, तो इस सिस्टम में टोटल प्रेशर क्या होगा? फाइंड आउट द टोटल प्रेशर इन द न्यू सिस्टम ऑफ गैस। ठीक है, ऐसा करो 2-3 मिनट सब लोग लो, ठीक है ना, एवरीडे टेक 2 or 3 मिनट्स। ट्रिकी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, और उसके बाद ही आंसर करना, क्योंकि क्या होता है पहले आंसर कर दोगे तो थोड़े कुछ बच्चे हो जाते हैं। 2-3 मिनट वेट कीजिए, सोचिए इसके बारे में, और आंसर आ भी गया है तो 2 मिनट बाद ही बताइए। आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर इट, देखते हैं सब कैसे आंसर करते हैं। ठीक है, चलेगा ना एवरीवन? लिख लिया क्वेश्चन सबने? ऑलरेडी क्वेश्चन रिटन? ठीक है, तो ठीक है, टेक 2 मिनट्स एंड देन आंसर, इवन इफ यू आर गेटिंग आंसर वेरी इंस्टेंटली, 2 मिनट बाद ही आंसर दो। Scroll up, Kalpesh, do you want to move to the previous question? Kalpesh? Previous question pe aana jara. Write down then. Theek hai, I'll come to you, Shreyash. Don't worry. सोनाली, ओके, क्रिश, श्रेयस आंसर सही है, प्रथमेश तुम्हारा भी आंसर सही है, बाकी लोगों ने आंसर सही नहीं दिया है। सलोनी, और आंसर इज फाइन, वेरी गुड सलोनी, पूरा स्वामित्व, आई थिंक 2-3 सलोनी है ना। नैनेश, योर आंसर इज ओके, एक ही है, ओके फाइन। नैनेश, योर आंसर इज फाइन। सरायु, गलत है। ओके, एनीबडी एल्स? देखो इसका आंसर एक्चुअली में क्या है पता है, इसका आंसर है 918। 918 कितने लोगों ने आंसर दिया है, मैंने उनका शायद बोला है कि आपका आंसर सही है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड 9? दोज हु हैव आंसर्ड 9, देयर आंसर्स आर करेक्ट। बाकी लोग अभी सोचे आपने क्यों क्या किया, इसमें क्या गलत हुआ, व्हाई यू कुडंट गेट द आंसर। एक्चुअली देखो क्या है कि जैसे मैंने बताया था कि वेपर प्रेशर जो होता है ना वाटर का, वो इक्विलिब्रिया पे डिफाइन होता है और वो चेंज नहीं होता, कंप्रेस वगैरह करने पे चेंज नहीं होता, इक्विलिब्रिया होता है उसमें, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका वेपर प्रेशर। देखो वेपर प्रेशर कंटेनर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मैं एक बार इसको समझा देता हूँ, मैंने बोला था थोड़ा सा ट्रिक है इसके अंदर इन्वॉल्व। गैस लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड टू O2 एंड नॉट ऑन दी H2O, राइट?
तो देखो ये समझने की कोशिश करते हैं कि पहले वाले सिस्टम में 4 atm प्रेशर था, राइट? पहले वाले सिस्टम में यहाँ 4 atm था, तो ये गैस तो पूरा 10 liter लेगा ही, राइट? तो 4 × 10, तो यहाँ पे नया PO2 × 5 है, तो ये PO2 नया जो आएगा वो क्या आएगा एवरीबॉडी, वो तो 8 atm आएगा ना, तो एनीथिंग लेस देन 8 इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। आप यदि ये तो समझ रहे हो ना कि 8 से कम तो तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता। ओके फाइन। अच्छा एक चीज और है, देखो अब हम क्या करते हैं, PH2O जो है ना वो तो 1 atm ही रहेगा, उस पे गैस लो हम लगाते ही नहीं, तो टोटल क्या आ जाएगा एवरीबॉडी, टोटल क्या आ जाएगा इस केस में? एवरीबॉडी टोटल क्या आएगा? नहीं देखो अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि PH2O कांस्टेंट क्यों रखा, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, H2O लिक्विड और H2O गैस जब एक क्लोज कंटेनर में लोगे ना, तो यहाँ बन जाता है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बन जाता है, और इक्विलिब्रियम एक टर्म होती है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, ठीक है, एक टर्म होती है। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप दे रहा हूँ ताकि तुमको एक फेयर आइडिया लगे इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। वो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, देखो मान लो ये सिस्टम सपोज 278 केल्विन पे है, तो 278 केल्विन पे ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? 5 डिग्री सेल्सियस पे तुमने बोतल में पानी भर के छोड़ दिया, तो पानी ज्यादा होगा या वेपर ज्यादा होगा? इक्विलिब्रिया तो होगा ना, मतलब ये एक इक्विलिब्रिया का मतलब समझते हो, यदि तुम इसको छोड़ दोगे तो लेवल ऑफ वाटर विल बिकम कॉन्स्टेंट, राइट? If you leave this as usual, then the level of water will become constant. But if you talk about the composition, let's say at 5 degree Celsius, then tell me which one will be more stable at 5 degree? Liquid wala zyada stable hoga 5 degree pe ya fir vapor wala? Everybody, liquid wala zyada stable hoga ya vapor wala fir? Which will be more stable? Liquid. ठीक है, अब जैसे जैसे हम, तो ये एक इक्विलिब्रिया हो गया 5 डिग्री सेल्सियस पे। अब मान लो हम इसको थोड़ा गर्म कर देते हैं, बोतल में थोड़ा गर्म पानी डालते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो भी लिक्विड ही ज्यादा होगा, राइट? तो अब होता क्या है, ये जो है जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे गैस बढ़ता जाएगा और ये कम होता जाएगा, राइट? तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब इसमें कुछ एक्टिव होता है कुछ इनएक्टिव होता है, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे, बट इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसके कोफिशिएंट्स भी रेज करते हैं, ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अब ये जो है ना, ये H2O गैस, इसका जो पार्शियल प्रेशर है ना, वो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये हम लोग डिटेल में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे। ये जो इसका पार्शियल प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उस पे गैस लॉ हम नहीं लगा सकते, ठीक है एवरीबॉडी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? खुद जरा सोचो, खुद जरा सोचो, क्या इसकी, अब मान लो जैसे तुम्हारे पास यही था, इसको खुद समझने की कोशिश करो, देखो थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लग जाएगा। 5 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी है H2O लिक्विड, और ये 5 डिग्री सेल्सियस पे ही H2O गैस है। अब मान लो कंटेनर का तुम वॉल्यूम आधा कर दोगे, एवरीबॉडी कंटेनर का वॉल्यूम आधा कर दोगे, मतलब अब ये H2O कम जगह पे है, तो इसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम एडजस्ट कर लेता है, मतलब रिएक्शन आगे पीछे चला जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा ताकि H2O का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उतना ही रहे। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्टेबिलिटी थोड़ी चेंज हो जाएगा प्रेशर कम करने से, टेम्परेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। अरे किस टेम्परेचर पे वेपर एग्जिस्ट करेगा और किस टेम्परेचर पे लिक्विड एग्जिस्ट करेगा, ये एक्चुअली टेम्परेचर से ही डिसाइड होता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आ गया बात वहां पे, इसीलिए चीजें चेंज नहीं हो रही है। ज्यादा डिटेल्स जो है वो इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि ये चेंज नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। व्हाट इज सिद्धेश, ये तो हम एक इंट्रोडक्शन टाइप का दे रहे हैं यार, ये बता नहीं रहे तुम्हें थ्योरी, थ्योरी तो तुम अलग से उस चैप्टर में पढ़ोगे। प्लस 1 atm क्यों किया, प्लस 1 atm इसलिए किया अमन, क्योंकि वहां पे 1 atm प्रेशर था ना वाटर वेपर का, क्वेश्चन में पहले केस में दिया था, वो तो उतना रहेगा ना।
Is that clear? Done. Okay. अच्छा एक चीज होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नाम सुना है? ओके तो मान लो रिलेटिव नाम नहीं सुना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नाम ही नहीं सुना है? अरे यार बड़ी कॉमन सी चीज है, गूगल करो अभी, राइट डाउन, गूगल करो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तुम्हें अपने एरिया का लोकेलिटी का मिल जाएगा। आज सुन लिया? ओके पहले नहीं सुना था। ओके जस्ट गूगल रिलेटिव ह्यूमिडिटी अराउंड मी, डालो क्या दिखता है देखो। एवरीबॉडी गूगल रिलेटिव ह्यूमिडिटी अराउंड मी। क्या आया, कुछ रिजल्ट आया? अरे गूगल किया रिलेटिव ह्यूमिडिटी अराउंड में, कुछ आया रिजल्ट में? कुछ नहीं आया। अरे कुछ आया 72%, 82%, 90%, 100%? कुछ नहीं आया। कितना परसेंट आ रहा है? अच्छा ये सबके कॉमन आ रहे हैं, इसका मतलब मोस्टली यू गाइस आर इन द सेम प्लेस, है ना? चलो ठीक है। तो अब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी मान लो सपोज 70% आ रहा है किसी का, तो 70% का मतलब क्या हुआ? एवरीबॉडी यदि 70% आ रहा है तुम्हारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो इसका मतलब क्या हुआ? हवा में क्या 70% पानी है? एवरीबॉडी सोचो, जरा सोचो इसके बारे में। हवा में 70% पानी है। देखो अच्छा एक बात बताओ, वेपर जैसे मान लो तुम्हारा एक सिस्टम क्लोज्ड है, ठीक है ये सिस्टम क्लोज्ड है, ठीक है। अब जैसे मान लो तुम 25 डिग्री सेल्सियस पे हो, 25 डिग्री सेल्सियस, तो अब ये H2O लिक्विड है और ये H2O गैस है, तो अब बताओ यहाँ पे पार्शियल ऑफ वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा ना, क्योंकि ये तो क्लोज कंटेनर है, इसको खोल दोगे तो गैस बाहर निकलने लगेगा, राइट? एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है, एक गिवन टेम्परेचर पे जो मैक्सिमम वाटर वेपर का प्रेशर आएगा वो क्लोज कंटेनर में ही आएगा, ये समझ में आ रहा है? और ये PH2O इन अ क्लोज्ड कंटेनर, इसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं, राइट? तो अब एटमॉस्फेयर में जो वेपर प्रेशर होगा, तो अब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर होगा, जो पार्शियल प्रेशर वाटर का होगा इन एटमॉस्फेयर, वो तो इससे कम ही होता है, राइट? ये समझ में आ रहा है सबको, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो ओपन सिस्टम है ना। तो अब ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होता है, देखो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इनटू 100, या फिर ऐसा बोल सकते हो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर अपॉन एक्वस टेंशन इनटू 100। यदि तुम्हारा जैसे बता रहे हो ना कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% है, यानी जो तुम्हारा करंट एटमॉस्फेयर है ये 70% वाटर रखता है उसके कंपैरिजन में जो क्लोज सिस्टम है, यानी यदि तुम्हारे पास एक पानी की बोतल है जो इस तरह से भरी हुई है, तो उस बोतल में यदि पार्शियल प्रेशर एक्स है तो तुम्हारे एटमोस्फेयर में 0.7x है, इसका मतलब ये है, ये समझ में आया? एवरीडी यदि तुम्हारे पास एक बोतल रखी है ढक्कन बंद करके,
तो उसके अंदर वाटर का वेपर का पार्शियल प्रेशर एक्स है ना, तो एटमोस्फेयर में 0.7 एक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70%। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एटमॉस्फेयर में 70% पानी है, बट हमेशा उससे कम क्यों होगा, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है ना, क्लोज सिस्टम में मैक्सिमम हो सकता है, रिएक्शन रिवर्सिबल हो रही है। अच्छा देखो होता क्या है, लिक्विड वेपर में जाता है, ठीक है, लिक्विड वेपर में जाता है, उसके बाद एक पॉइंट पे क्या होता है कि ज्यादा वेपर इस टेम्परेचर पे स्टेबल हो ही नहीं सकता, तो वापस आएगा ना, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाने लगती है, तो ये एक बार मैक्सिमाइज होगा उसके बाद वापस होगा, समझ में आ रहा है? तो ये मैक्सिमम तो इक्विलिब्रियम पे ही होगा, अभी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो नहीं, इज दैट क्लियर? ये मैक्सिमम कैसे होगा, ठीक है, आई विल टॉक अबाउट इट, पहले लिख लीजिए इसको। pH2 और वेपर प्रेशर में डिफरेंस ये है श्रेयस, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इज नॉट डिफाइंड एट इक्विलिब्रिया, इट कैन बी डिफाइंड एनीवेयर, बट वेपर प्रेशर इज डिफाइंड इन इक्विलिब्रिया इन अ क्लोज कंटेनर, एंड सिंस इट इज डिफाइंड इन अ क्लोज कंटेनर, सो दैट इज व्हाई इट इज ग्रेटर देन द नॉर्मल प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर। फाइन, ठीक है, फर्स्ट यू राइट इट डाउन। डन एवरीवन? अरे रुक तो जाओ भैया, मैक्स कितना होना चाहिए? रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% तक हो सकता है, मैक्स टू मैक्स थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली 98-99% तक जाता है। व्हेन इट इज वेरी रेनी एंड यू गूगल, देन यू मे फाइंड 98% ह्यूमिडिटी, 97% ह्यूमिडिटी, समटाइम्स यू कैन ऑल्सो फाइंड 99% ह्यूमिडिटी। ओके okay, सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो लोगों को पूछना है, उसकी आंसर उसका आंसर करते हैं। सबसे पहले कि वेपर प्रेशर पी मैक्स PH2O मैक्स क्यों है, ये डाउट है ना तुम्हारा, ये तुम्हारा डाउट है कि नहीं है? ओके दूसरा है कि PH2O और वेपर प्रेशर में अंतर क्या है, यही तो डाउट है, और कोई डाउट है? और कोई डाउट है? ठीक है, अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज PH2/Vp, ठीक है, ये तीनों डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये मान लो तुम्हारा एक बोतल है, मतलब डब्बा है, ठीक है, ये खुला हुआ है, यहां पे H2O रख दो, तुम्हें लगता है पानी कभी खत्म होगा ये, या फिर एक पतली लेयर बनाओ ना, ऐसा करो, ऐसा करो एक हल्की सी लेयर बनाओ, जमीन पे पानी बिखरे हुए तो कभी देखा ही होगा, वो सूख जाता है क्या? एवरीबॉडी, वो सूखेगा या नहीं सूखेगा? सूख जाएगा, यानी कि पूरा पूरा पानी खत्म, राइट? पानी पूरा खत्म हो रहा है, इसका मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं और ऊपर पानी के मॉलिक्यूल्स कम है, तो वो वापस नहीं आ रहे, राइट? वो वापस नहीं आ रहे। अब एक काम करो, इसका ढक्कन लगा दो, अब तुम्हें लगता है पानी खत्म होगा? अब ये पानी खत्म होगा क्या? नहीं खत्म होगा। कभी ऐसा देखा है क्या कि बोतल में, मतलब बोतल सपोज कोक की बोतल है, एक महीना तुमने छोड़ दिया ढक्कन बंद करके, तो कोक खत्म हो जाता है क्या? तो ये तो तुम समझ रहे हो ना कि होता क्या है कि यहाँ पे ज्यादा एवोपरेशन हो रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है, तो अब देखो होगा क्या, यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो एक टेंडेंसी बनेगी ऊपर जाने की, एक पॉइंट के बाद ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा हो जाएगी और इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो रिएक्शन पीछे आने लगेगी। तो अब ये होगा, पहले तो H2O लिक्विड से गैस बनेगा और H2O गैस से वापस लिक्विड बनेगा,
दोनों के रिएक्शन रेट सेम हो जाएंगे। तो जब दोनों के रिएक्शन रेट सेम हो जाएंगे तो कोई विजिबल चेंजेस नहीं दिखेंगे और इसको इक्विलिब्रिया बोलते हैं। इज दैट क्लियर? जिस रेट से इधर जा रहा है उसी रेट से इधर आएगा, तो कोई विजिबल चेंजेस इक्विलिब्रिया में नहीं दिखेंगे। जैसे मान लो इधर टोटल 20 बच्चे हैं रूम इस कमरे में और इस कमरे में भी 20 बच्चे हैं, पांच इधर से इधर जा रहे हैं और पांच इधर से इधर जा रहे हैं, तो रिलेटिवली नंबर्स तो बराबर हैं और कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे होगा क्या, H2O लिक्विड H2O गैस में जाएगा, फिर H2O गैस वापस H2O लिक्विड में आएगा, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। तो अब जरा सोचो, ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो गया यानी यहाँ पे इतना गैस पहुंच गया कि रिएक्शन पीछे भी अपोजिट डायरेक्शन में भी चलने लगा, तभी तो ये कभी खत्म नहीं हो रहा। ये समझ में आ रहा है? ये अपोजिट डायरेक्शन में भी चल रहा है इसलिए तो कभी खत्म नहीं हो रहा, बट ये एक डायरेक्शन में ही जाता जा रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है मैक्सिमम कब बनेगा वाटर वेपर का प्रेशर, इस सिस्टम में जो कि क्लोज्ड है या इस सिस्टम में जो कि ओपन है? क्लोज्ड में ही बनेगा ना, तो पी मैक्स जो है वो तो पी क्लोज्ड ही हो सकता है। Is that clear? अभी समझ में आया? श्रेयस, आर यू नाउ क्लियर ऑन दिस कि व्हाई इज इट मैक्सिमम? फर्स्ट पॉइंट जो लोग पूछ रहे थे कि व्हाई इसको मैक्सिमम अपन क्यों बता रहे हैं, और ये जो पी मैक्स पी क्लोज्ड है इसको वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ वाटर वेपर का तो प्रेशर आएगा ही ना यार, यहाँ पे भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो है ही, तो यहाँ जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं तो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ना, बट वो इस प्रेशर से कम होगा। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इस प्रेशर से कम होगा ना। तो अब यदि 70% बोला गया है, कम कैसे? क्योंकि भैया ये एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये एक जगह पे रुक नहीं रहे हैं, ये इनफाइनाइट वॉल्यूम में घूम रहे हैं और ये फाइनाइट वॉल्यूम में घूम रहे हैं। ठीक है, तो अब यदि यहाँ पे तुम्हें रिलेटिव ह्यूमिडिटी 70% दिया हुआ है, इसका मतलब यदि इसका एक्स है वेपर प्रेशर तो इसका 0.7x होगा। अभी क्लियर है या नहीं है? PH2 is exactly pressure exerted by molecules of water vapor. ठीक है, PH2O is the pressure exerted by molecules of water vapor, nothing else. X मैंने लिया है water vapor का पार्शियल प्रेशर क्लोज कंटेनर में, वेपर प्रेशर वही है। हाँ, एट अ गिवन टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट। व्हाई इज इट कांस्टेंट? वी विल लर्न इन केमिकल इक्विलिब्रियम। एवरीडी क्लियर नाउ? अनम्यूट करो, बोलो, अनम्यूट तो हो ही दो। सर, जो PH2O है वो वेपर का प्रेशर है, और फिर वेपर प्रेशर डिफाइन करते हैं, वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, ठीक है। जो वेपर प्रेशर टर्म है ना वो इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, क्लोज कंटेनर के लिए डिफाइन होता है, ये इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होने वाली चीज है वेपर प्रेशर। हाँ, तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू है इक्विलिब्रियम में वो वेपर प्रेशर है सर। हाँ, वो वेपर प्रेशर, वो लिखा है ना, पी मैक्स इज इक्वल टू पी क्लोज्ड इज इक्वल टू वीपी। हाँ, इसलिए वो मैक्सिमम है। हाँ, क्योंकि वो क्लोज कंटेनमेंट डिफाइन होता है, जो नॉर्मल कंडीशंस है ना वो क्लोज नहीं होती। जैसे तुमने बोतल का ढक्कन बंद कर दिया, जो पानी है वो फाइनाइट खाली जगह जो है बोतल के अंदर, उसके अंदर घूम रही है, बट यदि तुमने बोतल को ढक्कन को खोल दिया तो अब जो वेपर्स है वाटर के वो पूरे रूम में घूम रही है, राइट? हाँ सर।
उस हिसाब से सोचो ज्यादा कौन होगा, ऑब्वियसली क्लोज कंटेनर के अंदर होगा ना। समझा भी। हाउ टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर, दिस इज डन यूजिंग इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया और इक्विलिब्रियम चैप्टर है अलग, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, ये लिख लिया था ना। ओके फाइन। अच्छा ये सब हमने पढ़ा है ना, जैसे कि वेपर डेंसिटी तो अपन जानते हैं, एवरीबॉडी इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम क्या है शॉर्ट में बताइए। अरे यार वो चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें पढ़ेंगे ना, एक उसका तो अलग चैप्टर ही है। शॉर्ट में तो मैंने बता ही दिया, इक्विलिब्रिया का मतलब होता है चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। इक्विलिब्रिया का मतलब है विजिबल चेंजेस आर नॉट, मतलब जो चेंजेस हैं दे आर नॉट विजिबल। जैसे पानी की बोतल रखा तुमने तो पानी के ऊपर लिक्विड भी जा रहा है, मतलब पानी वेपर में भी कन्वर्ट हो रहा है, वेपर पानी में भी कन्वर्ट हो रहा है, बट इस प्रोसेस में तुम्हारा जो लेवल ऑफ वाटर है वो तो कॉन्स्टेंट है, तो इसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। मतलब ऑल्दो चेंजेस आर टेकिंग प्लेस बट दे आर नॉट विजिबल बिकॉज द चेंज रेट इज सेम। जैसे ए से बी जिस रेट से जा रहा है उसी रेट से बी से ए भी आ रहा है, तो ओवरऑल कोई चेंज होगा ही नहीं, तो ऐसा केस में इक्विलिब्रिया बोलेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन में यदि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन रेट सेम है तो नेट रिएक्शन रेट क्या होगा, जीरो। तो उसमें चेंजेस नहीं दिखते हैं और उसको इक्विलिब्रिया बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं वेपर डेंसिटी। देखो वेपर डेंसिटी को कैसे लिखते हैं, वीडी, एवरीबॉडी टेल मी, मोलर मास बाय टू, इज दैट क्लियर। वेपर डेंसिटी हम लिखते हैं मोलर मास अपॉन टू, ये तो सबको पता है। एवरेज मोलर मास और एवरेज वेपर डेंसिटी निकालना भी सबको आता होगा ना। एवरीडी एवरेज मोलर मास और एवरेज वेपर डेंसिटी निकालना आता है। जैसे तुम्हारे पास गैस है ए बी सी, इनके मोल्स जो हैं ये स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, और इनके जो मोलर मासेस हैं दे आर एम ए एम बी एंड एम सी, तो एवरेज मोलर मास क्या आएगा। AMA plus BMB plus CMC divided by A plus B plus C. Is that clear? ये तो normal बात है। ठीक है, fine। तो ये लिखना है क्या? Okay, then write down. Written? Everybody please respond in the chat box, written. Everybody can you hear me? Everybody can you hear me? Please respond in the chat box. आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो,
हेलो। अरे एवरीबडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। आवाज आ रही है क्या? ओके तो चैट बॉक्स पे कोई जवाब नहीं दे रहा वैसे। ठीक है चलो। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द इंटरफेस। आई थिंक तो अब हम निकालते हैं वेपर डेंसिटी। फॉर अ सिस्टम ऑफ गैस, लेट्स से वेपर डेंसिटी फॉर अ सिस्टम ऑफ गैस व्हिच इज लेट्स से एसोसिएटिंग और डिसोसिएटिंग, व्हिच इज डिसोसिएटिंग या फिर एसोसिएटिंग। ये मेरी स्क्रीन थोड़ी सी लग रहा है मुझे। अच्छा स्क्रीन दिख रही है आपको? एवरीबॉडी कैन यू सी द स्क्रीन? आई एम अनेबल टू सी योर चैट मैसेजेस। इफ यू आर सेंडिंग कैन यू सेंड मी ओवर व्हाट्सएप इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन बिकॉज आई स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ओके वॉइस इज कमिंग बट थिंग्स आर नॉट गोइंग। ठीक है लेट मी जस्ट। ठीक है फाइन फाइन। कुछ लोगों को सब कुछ दिख रहा है। ठीक है एक सेकेंड। ओके ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।